पावन महीने तमाम मुसलमान भाइयों को बधाई देते हैं। और आज अथीन के अंदर इफ्तियारी दावत इफ्तियार का ये पावन स्वरूप हमने देखा। मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में आपसी भाईचारे का और ख़ास तौर पर जिस तप और तपस्या से एक महीने मुसलमान भाई इस पावन माह को बनाने का काम करते हैं, अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है कि जीवन के अंदर किस तरीके से बुराइयों को दूर करने के एक आपसी भाईचारे को मजबूती देने के लिए, खुशहाली लाने के लिए तो ये तपस्या है। इसके लिए मैं इस पावन माह की शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को खास तौर पर मुसलमान भाइयों को देना चाहता हूँ। दुश्मन जब नतीजा आई एक भी सीट नहीं निकल पाई एम डी की, तो क्या हमारी तो शुरुआत थी 6 महीने के अंदर हमने प्रदेश में लगभग 6% के आसपास वोट शेयर लेने का काम किया। और इतिहास है कोई भी रीजनल पार्टी का जन्म हुआ उसके पहले चुनाव में 6 महीने के अंदर उसके ऐसे नतीजे नहीं आए। जब वाईएसआर कांग्रेस से अलग हुई तो वो 7% पे थी और कांग्रेस 24% पे थी। आज एक परिस्थिति तो साफ हो कि जनमत ने जननायक जनता पार्टी को अपनाया है और हमारे लिए तो अगले 100 दिन अहम है और यही टारगेट लेकर चल रहे हैं। 9 तारीख को स्टेट और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है कि 100 दिन में किस प्रकार से मिलकर संगठन को और ताकतवर और मजबूत करने का प्रयास एक एक साथी करेंगे। मैं तो अतीन की टीम का खास तौर पर मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज दावत देकर जिस तरीके से सारे कार्यकर्ताओं को और खास तौर पर मुसलमान भाइयों को यहाँ एकत्रित किया और जो ये प्रेम दिखाया, ये पावन माह हम सबको ताकत भी देगा, शक्ति भी देगा कि अगले 100 दिन में हम संगठन को बूथ लेवल पर और मजबूती से लेकर जाएं और बूथ लेवल पर ले जाकर प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कोई गठबंधन हो सकता है, कोई नया जैसे कि गठबंधन की बात है, अभी तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े और अभी तो चर्चाएं चलेंगी आगे हम कैसे मिलकर बढ़ सकते हैं। 9 तारीख को तमाम साथी भी अपने सुझाव देंगे। अभी तो ये भी सुझाव लेना है कि चप्पल रखनी है रीअप्लाई चप्पल के लिए करें या कोई और इलेक्शन सिंबल हम अप्लाई करें, इन तमाम चीज़ों पर मंथन चलेगा और 9 तारीख के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। परिवार को एक होने की बात आ गई, क्या आपके न्यूज़ 18 जी टीवी एक हो सकते हैं? जब राजनीतिक विचारधाराएँ अलग होंगी ये तो सवाल ही नहीं। जिस तरीके से हमने एक चीज़ तो साबित कर दी कि आज के दिन भी पूरे प्रदेश में जहाँ हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े उनसे 3 गुना ज़्यादा वोट हमने लिए और हमारा प्रयास उनकी तरफ मुड़कर देखना नहीं, हमारा प्रयास यही है कि प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को मुखाग फेंकने का काम करें।